ये देखिए, ये है सभी का ऑल टाइम फेवरेट सूजी का हलवा। हेलो व्यूअर्स, सफर जायके का में आपका स्वागत है। मैं हूँ रुचि और आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। तो चलिए शुरू करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 100 ml घी। जितनी हम सूजी लेंगे उसका हाफ हम घी लेंगे। घी को कढ़ाई में डालकर मेल्ट होने देंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर धीमा ही रखेंगे ताकि हमारा घी जले ना। घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम सूजी। अगर बाउल से देखें तो यहाँ मैंने 2 बाउल सूजी ली है और 1 बाउल घी लिया है। इसे घी में अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम सूजी को घी में सेकेंगे। ध्यान रहे कि हमारी सूजी नीचे कढ़ाई में चिपके ना, इसलिए कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे। हमारी सूजी अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे दूध और पानी को मिक्स करके। जैसे हमने 200 ग्राम सूजी ली है तो यहाँ पर हम इसके जस्ट डबल दूध और पानी को मिक्स करके डालेंगे। यानी कि 2 कटोरी सूजी थी तो हम यहाँ पे 4 कटोरी दूध और पानी को मिक्स करके हलवे में डालेंगे और उसे अच्छे से चलाते रहेंगे। अब यहाँ पे हमें इसे कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो हमारी सूजी नीचे चिपक सकती है। इसे धीरे धीरे चलाएंगे और ये धीरे धीरे सूजी जो है वो गाढ़ी होती जाएगी। ये देखिए, अब हमारी सूजी फूलने लगी है और धीरे धीरे वो गाढ़ी होती जा रही है। इसे हम यहाँ कंटिन्यू हिलाते रहेंगे और अब ये थोड़ी देर बाद सूजी अपना घी छोड़ देगी। इसका मतलब ये है कि हमारा हलवा तैयार होने लगा है। अब हम यहाँ डालेंगे 100 ग्राम शक्कर यानी कि चीनी। क्योंकि हमने 200 ग्राम सूजी ली है इसलिए हम यहाँ पर 100 ग्राम शक्कर डालेंगे, उसकी जस्ट आधी। अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ पर 150 ग्राम शुगर डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि शक्कर सूजी में अच्छे से घुल जाए। ये देखिए, सूजी ने अब हमारा घी छोड़ दिया है, यानी कि हमारा हलवा लगभग तैयार है। मैंने 4 से 5 बादाम कट कर लिए हैं। अब हम हलवे में 4 से 5 बादाम डालेंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ से बस बादाम ही लिए हैं। अब हम थोड़ा सा बादाम डालने के बाद इसे मिक्स करके थोड़ा चलाएं। अब मैं यहाँ पर लगभग 1 चम्मच के करीब केसर और इलायची का सिरप डाल रही हूँ। ये मेरा होममेड सिरप है और ये इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है। इसके लिए आपको अलग से इलायची पाउडर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है।
अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका वीडियो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं कि आपके पास अवेलेबल नहीं है ये चीज, तो आप यहाँ पर आधी चम्मच के करीब इलायची पाउडर हलवे में डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा हलवा बनकर तैयार है। अब हम इसे ऊपर से अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निशिंग करके सर्व करेंगे। आपको यह सूजी के हलवे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।